एप्लीकेशन सीपी क्राइम शेखर साहब ने 2019 और 2020 के जो ट्रेंड है हमारे क्राइम के बारे में, हमारा जो और भी जो कामगिरी है, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, कि वहाँ स्पेशल ब्रांच का जो काम है, कि वहाँ या फिर जो काउंसलिंग है, हमारे जो ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है, ये सब के बारे में, ट्रैफिक के बारे में बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपको। उसमें से अंदाजा आया होगा कि ये 19 और 20 से जो कामगिरी है, इम्प्रूवमेंट है, समाधान कारक है। और हम सबका अभिनंदन करते हैं, हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं सभी हमारे डीसीपीज, एडिशनल सीपीज और बाकी जो अधिकारी यहाँ पे कुछ सामने बैठे हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ एपीआई पीएसआईज हैं, कुछ बाकी जो यहाँ पे नहीं है, हमारे सारी जो टीम है नवी मुंबई पुलिस की, उसमें करीब 6000 की हमारी टीम है, उसमें सबने मिल करके, उन्होंने 19 में भी बढ़िया काम किया, 20 में भी बढ़िया काम किया। मैं हमेशा अपने ऑफिसर्स को बोलता हूँ कि ये पुलिस का जो कामगिरी है वो कंपेरिजन है, जो कि आपको चाहिए एनालिसिस तो हम आपको उसके हिसाब से देते हैं कि 19 का ट्रेंड है, 20 का ऐसा हुआ, अदरवाइज ये सब तो सब मिलके हम करते रहते हैं। हमारे पहले संजय कुमार साहब थे, उनके नेतृत्व में भी बढ़िया काम किया लोगों ने, अब उसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें जो जहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना हम करते हैं, और इसमें जो भी आपको लग रहा है कुछ डिटेक्शन कन्विक्शन रेट हमारा काफ़ी है, उसके भी कुछ कारण है इस बार, और बाकी चीज़ों में ट्रैफिक के बारे में भी है, और जो महिला सेल का काम है, कि वह एसटीओ का काम है, कि वह ट्रैफिक का अमल, अपने जो हमारा जो ड्राइव है यहाँ पे एंटी नारकोटिक्स और एंटी गुटका हमारा जो ड्राइव है, उसमें भी बहुत सारा काम हुआ है, पहले भी था, हमारे आने के बाद और भी काम हुआ है, तो ये चलता रहता है। लेकिन अच्छा है कि इम्प्रूवमेंट है, हमारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा अनफॉर्चुनेट, आपको पता है कि हमारे जो पिछले 10 महीने से जो कोविड का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारी जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सब ने मिल करके सामाजिक हमारी जवाबदारी थी, बांधिल की थी, हमने काम किया। उसमें हमारे भी 11 अधिकारी कर्मचारी, उनको अपने जान गंवाने पड़े और 9 अपने फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई। हमने सारा प्रिकॉशन लिया, आप सबको पता है, आप सब लोग जानते हैं, आपको सब बताया गया था। तो आउट ऑफ द वे जा करके नवी मुंबई के जो अधिकारी कर्मचारी हैं पुलिस के, इन्होंने लोगों को उस समय हेल्प किया, चाहे वो मजदूर जाने वाले थे, चाहे लोगों को कुछ खाना पीना देना था, दवा देना था, हमने अपने जो चलाए थे यहाँ पे कोविड सेंटर्स, और अपने लोगों का जो केयर लेना था, क्योंकि एक बड़ा अननोन, बड़ा एक ऐसा था कि एक नया चीज़ था जिसके बारे में कैसे हैंडल करना है पता नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो जाएगा, अगर हम प्रिकॉशन नहीं लिया तो हमको भी कोविड हो जाएगा। तो ये सब जो डर का माहौल था, भय का माहौल था, और एक अननोन हमको एनिमी सामने थी, उसके बावजूद भी सबके सहकार से, पब्लिक के सहकार से पुलिस ने अच्छा काम किया। हम इसलिए कह रहे हैं कि वो बड़ा हमारे लिए जो हमारी कामगिरी समाधानकारक है वही अच्छा हुआ है, इंस्पाइट ऑफ कोविड हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, और इसके आगे भी करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से हर हेड में आपने देख लिया है, वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, करीब करीब सब जगह इम्प्रूवमेंट है। डिटेक्शन में थोड़ा सा जो कि टाइम लगता है, जो 19 की डिटेक्शन है उससे 2-3% हमारा ओवरऑल कम होगा, लेकिन वो आने वाले समय में हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया साहब ने कि कोविड में समन्स वारंट देना, लोगों को बुलाना, इन्वेस्टिगेशन करना थोड़ी हमारी लिमिटेशन थी, तो वो थोड़ा सा एक आपको प्रॉब्लम मिलेगा। बाकी तो जितने भी हेड हैं सब में अच्छा काम हुआ है, इवन स्पेशल ब्रांच ने जो काम किया है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, करेक्टर वेरिफिकेशन है, या फॉरनर्स की चेकिंग का है, वो आपको बताएंगे डिटेल। सवाल मैंने डीसीपीज को बोला है, अगर आपको चाहिए तो वो बताएंगे आपको, 2-5 मिनट बताएंगे आपको। तो हर फील्ड में अच्छा काम हुआ है, इंक्लूडिंग ई कंप्लेंट्स, मेरे ख्याल से सारे के सारे हमने अटेंड किए हैं, उसका डिस्पोजल भी अच्छा है। जो साइबर क्राइम का जो काम है उसमें भी हमारी लिमिटेशन है, फिर भी हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट सबका कंप्लेंट लें हम। तो हर फील्ड में हमारी कोशिश है, ट्रैफिक में भी इम्प्रूवमेंट हमको, आपको पता है मैंने कि जो भी हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको हम स्पेशल तवज्जो देंगे। और वहाँ पे अभी हमने कल भी मीटिंग लिया था, उसके पहले भी हमारी मीटिंग हुई थी, जो भी काम होना है उसमें विशेष महानगर पालिका है यहाँ पे, 2 पनवेल और नई मुंबई MMRDA है, PWD के भी है, सबका कहीं ना कहीं कुछ रोल है, सिडको का तो बहुत बड़ा रोल है। तो
तो हम सबको साथ में लेकर के चल करके हमारे जो ट्रैफिक जो कंडीशन है कैसे इंप्रूव होगी, स्पेशली ये जो हमारे जो करीब 30 जो हॉट स्पॉट्स हैं उसमें से चार मैंने बताया था इंपॉर्टेंट हैं, वो वासी क्रीक और ये जो फॉर्म बिच रोड है, सिडको ब्रिज है, नवादा फाटा है, ये सब तिरपा चार पांच जगह मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये सब हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक का भी इम्प्रूवमेंट हो, और अगले महीने में हमारा ट्रैफिक मंथ भी हमारा हम साझा करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इस बार चूँकि कोविड है तो ज़्यादा स्केल पर नहीं करेंगे, लेकिन अवेयरनेस करेंगे, सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, और हम चाहते हैं कि उसमें कुछ कॉन्क्रीट काम हो, लाइक सैनिटाइज इम्प्रूव हो जाए, जेब्रा क्रॉसिंग का हो, सिग्नल सब चालू रहे, नई मुंबई के सिग्नल में टाइमर का जो प्रॉब्लम है वो भी रहेगा, सीसीटीवी का हमको पता लगा करके उन्होंने ऑलरेडी टेंडर इशू किया हुआ है सिडको ने, तो बहुत जगह जहाँ पे बंद है, जहाँ पे लाइट्स की प्रॉब्लम है लाइट होनी चाहिए, कुछ महिला सुरक्षा के लिए हमने जहाँ पे अंधेरा है कल मीटिंग लिया था हमने, एक गवर्नमेंट की एक ऑर्डर है गवर्नमेंट का जिसमें एक कमेटी होती है उसमें सभी संबंधित डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, तो महिला सुरक्षा के बारे में विशेष हमने उस पर ध्यान दिया है कि क्या क्या मेजर्स लेने हैं। और दूसरा हमारा एक मुहिम है कि शहर को थोड़ा सा, जैसे भी हमने नारकोटिक्स और गुटखा के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरा एक और सोशल आयाम है कि हम चाहते नहीं कि यहाँ पे कोई बेगिंग करे, कोई भिखारी रहे सड़क पे जा करके वो भीख मांगे, बच्चों का यूज़ करें, महिलाओं का उसमें शोषण नहीं होना चाहिए, बच्चों का शोषण होता वो नहीं होना चाहिए, और ये उसके कारण क्या है, गरीबी है या कोई कल्चर है या मेंटलिटी है या फिर कोई बिजनेस है या फिर एक्सप्लॉयटेशन है, क्राइम है, देयर आर सो मेनी सोशल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन हैं, लेकिन हमारा है कि नवी मुंबई शहर जो है नया शहर है, साफ़ सुथरा है, तो मैंने सिडको नवी और नगर पालिका को भी बोला हुआ है कि ये ड्राइव लेकर के हमको शहर में जो लोग हैं उनको आप उनका जो निवारा वगैरह है उनको वहाँ पे रखिए, वैसे जो ड्रग एडिक्ट है उन पर भी कार्रवाई कीजिए, तो हम प्रेशर रखेंगे, इन्फोर्समेंट हम करेंगे ताकि प्रेशर बना रहे कि लोग वहाँ पे दोबारा, एक जनरल ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि चलो वहाँ पे बैठेंगे सिग्नल पे कुछ बेचेंगे चार पैसा मिलेगा, एक क्या बड़ा बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे गरीब लोग हैं और ऐसे लोग वहाँ पे करते हैं, हमारी जवाबदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, तो उसमें जो हमारा काम है इन्फोर्समेंट काम करेंगे, बाकी जो नगर पालिका का काम है उनको लोगों को जा करके रखना, निवारा में रखना। मुझे बताया गया है कि उन्होंने कई बार ड्राइव लिया लेकिन फिर वापस लोग जैसे निकलते हैं वापस आगे करते हैं, तो वो उसमें हमने सूचना दिया है कि ये कार्रवाई चलती रहे, हमारा ये नहीं कि उनको हमको जो गरीब लोग हैं बेगर्स हैं या जैसे लोगों को सताना है, हमारा उसमें जो प्रायोरिटी है कि ये जो टेंडेंसी है वो कम होना चाहिए, सो दैट धीरे धीरे ये लोग भी नहीं आएंगे और कहीं दूसरे काम में लग जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। कभी कभी कंप्लेंट आती है कि बच्चों का भी किडनैप करके लाते वो भी यूज़ करते हैं, तो अभी हमने मेरे पास अभी ऑफ हैंड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इसके बारे में, बट एडिशनल सीपी साहब का भी कहना है कि ऐसा कैसे बॉम्बे में कहीं यहाँ वहाँ पे पहले हुआ है, तो हमने ऑलरेडी बोला है कि ऐसा भी देखेंगे हम, तो ये हमारे प्रायोरिटी क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन ट्रैफिक जो रूटीन प्रायोरिटीज है, उसके अलावा अभी ड्रग के बारे में और ये बेगर्स पे कार्रवाई करना, ड्रग एडिक्ट के बारे में करना, ये सब थोड़ा हम सबको सारी एजेंसी को लेकर के, मैं अपने सारे ऑफिसर से उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारा जो प्रायोरिटी रहेंगे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक सवाल जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से नवी मुंबई की जनसंख्या बढ़ी है उसके अनुपात में नवी मुंबई पुलिस की जो संख्या है उसमें इजाफा नहीं हुआ है, आपको लगता है कि अगर पुलिस बल में अगर और ज़्यादा बढ़ोतरी होती तो और बेहतर काम हो सकता था? मेरे ख्याल से जो भी हमारे पास पुलिस फोर्स है अभी के लिए एडुकेट है, और हमको जो लगेगा हमने कुछ पुलिस स्टेशन के प्रस्ताव हैं, कुछ मैन पावर के प्रस्ताव हैं, वो ऑलरेडी हमारा चलता रहता रूटीन में, शासन को हमने रिक्वेस्ट किया भेजा हुआ है, तो उसमें अब जैसे होगा आएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये लोग कम हैं, हमारे पास करीब 6,000 के आसपास 5,500 से ज़्यादा लोग हमारे पास में हैं, हमारे पास में वैकेंसी भी करीब 250-300 की वैकेंसीज हैं, उसको भी अभी कोरोना के बाद में जैसे ही शासन का जब कुछ होगा तो उसको हम भरेंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे बढ़िया है कि आप सभी लोग पुलिस ऑफिसर हैं, सारे पब्लिक पुलिस ऑफ पुलिस यहाँ पे हैं, आप सभी लोग मुझे इतने मैसेज देते रहते हैं, तो आधा काम तो आप लोग कर देते हो पुलिस का, और पब्लिक भी इतना कोऑपरेटिव है, शांत है, अच्छा शहर है, तो यहाँ पे कोई कायदा सुव्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं या फिर कोई वैसा जो इशूज होता है, कोई किसान का हो गया, कोई मराठा मोर्चा हो गया, और लोग कोऑपरेटिव है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई क्रिटिकल कोई डेफिशिएंसी है हमारे पास पुलिस फोर्स में, अधिकारी कर्मचारी ठीक है, बट हमारे कुछ प्रस्ताव हैं, मुझे मालूम है हमारे कुछ 4-5 पुलिस स्टेशन के प्रस्ताव हैं, बाकी हैं तो रूटीन
वो डेवलपमेंटल हमारा कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसमें वो कंटिन्यूस चलता रहता है, तो जब तक जब होगा तब देखा जाएगा। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।